आज हम चर्चा करना चाहेंगे कि जीवन में लालसा पूरी हो सकती है लेकिन तृष्णा कभी पूरी नहीं होती, और लालसा पूरी हो जाती है लेकिन व्यक्ति इतनी तृष्णा में जी रहा है कि उसकी तृष्णा मरते मरते भी पूरी नहीं होती, और यहाँ तक कि मरने के बाद भी पूरी नहीं होगी क्योंकि तृष्णा कभी खत्म नहीं होती। तो आइए हम जीवन के छह सत्य के बारे में जानें। आपके पास छोटी गाड़ी हो या बड़ी गाड़ी, छोटी कार हो या बड़ी कार गाड़ी, लेकिन सड़कें वही रहेंगी। तो अपनी सुविधा के अनुसार आप जिएं, ये कोई ज़रूरी नहीं कि दिखावा में जिएं। अत्यधिक दिखावा में खुद को बेच देना ये जीवन नहीं ये मरण के समान होती है। आप कम मूल्य की घड़ी पहने या अधिक मूल्य की घड़ी पहने, लेकिन समय वही रहेगा। तो हमें इन चीज़ों का भी ध्यान देने की ज़रूरत है। ज़िंदगी दिखावटी और बनावटी न जिए, ज़िंदगी वही जिए जो सामान्य हो, सहज हो। आपके पास मोबाइल कम मूल्य का हो या अधिक मूल्य का, आपके आपके लोग नहीं बदलेंगे, आप जिसको कॉल कर रहे हैं वो नहीं बदलेगा। आप इसका ध्यान रखें कि जिससे आपका काम सहजता से चल जाए। आपका काम अगर सहजता से चल रहा है, अच्छा से चल रहा है, तो उसी पर ध्यान दे। देखा देखी जीवन में जीने की कोशिश न करें और देखकर अपना माथा फोड़ने की भी कोशिश न करें। दूसरों के देखा देखी में व्यक्ति बर्बाद हो जाता है। चौथा पॉइंट है, आप इकोनॉमी क्लास में सफर करें या बिजनेस क्लास में, आपका समय उतना ही लगेगा, लेकिन आप सिर्फ इसलिए कि आप बिजनेस क्लास में यात्रा करें, आप दिखावे में न रहें। आपको जिस हिसाब से सहज लगती है, सरल लगती है, आप उसमें यात्रा करें, इसलिए कि आप सिर्फ दिखावे में दूसरों को खुश करने के लिए या अपना झूठा इमेज बनाने के लिए ज़्यादा अधिक खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। आप जिसमें इकोनॉमी क्लास हो, बिजनेस क्लास हो, जिसमें आप खुद को अच्छा महसूस करें, उसी में यात्रा करें। सिर्फ दूसरे के कह देने से दूसरों को खुश करने के लिए ये सब न करें। कमाई छोटी हो या बड़ी हो, लेकिन रोटी और अनाज सबके लिए एक ही होता है। तो इसीलिए कमाई पर ध्यान दें, लेकिन कमाई को दुर्व्यवहार इस तरह से ना हो जाए कि आप अपना स्वास्थ्य खो दें, क्योंकि एक बार स्वास्थ्य खो देंगे तो आप फिर उस स्वास्थ्य को वापस नहीं ला पाते। मरते मरते तक आप गंभीर बीमारियों के शिकार ही रह जाते हैं, और आखिर में यही आपका अंत भी कर देती है। तो हमें इन सब बातों को भी, इन कठोर सत्यों को भी याद रखना चाहिए। भव्य जीवन की लालसा रखने में कोई संकोच नहीं, भव्य जीवन की लालसा हर कोई रखना चाहता है, और ये कोई बुराई भी नहीं है। लेकिन ये ध्यान दें कि अपनी जितनी चादर हो उतनी चादर फैलाएं। ये नहीं कि दूसरे से भी उधार मांग लिया, दूसरे से भी उधार मांग लिया और चादर बना बना कर खूब फैला दिया। तो ऐसे जीने और मरने में कोई अधिक अंतर नहीं है। तो इसीलिए हमें इसका भी ध्यान देना होगा। समाज और दुनिया का काम है बोलना, और हर व्यक्ति एक दूसरे से बड़ा बनने के लिए, कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार है। तो उन महान लोगों को आप दूर से प्रणाम करें, और आप वही करें जो आप आराम से कर सकते हैं। सिर्फ देखा देखी कुछ भी करने की गलती न करें, क्योंकि जब आप संतुष्ट नहीं हैं, खुश नहीं हैं, तो क्षणभंगुर दिखावापन कर देने से कि आप खुश हो जाएंगे, तो ऐसा भी नहीं कि आप कर्ज के दलदल में फंस जाएं। तो इसे लिखा जा रहा है कि सावधान रहें क्योंकि आवश्यकताएं पूरी हो सकती हैं लेकिन तृष्णा पूरी नहीं हो सकती है। हमें इन छह गंभीर पॉइंट्स को हमेशा ज़िंदगी में याद रखना चाहिए। ज़िंदगी में सफल होने के लिए ज़रूरी है कि दूसरों के हाँ पर हाँ और दूसरों के ना पर ना कहने से बचें, और सिर्फ कोई कह दे तो उसी के देखा देखी, उसी की प्रतिद्वंदिता न करते फिरें। आप जो कर सकते हैं वो सहजता से करें, आराम से करें। नमस्कार, जय हिंद।